रब्बी शाहली सदरी वयसिली अमरी वाहलुल उक्ततम मिलिसानी यफकहू कौली। शाइस्ता मलिक हाजिर है फ़ख्रे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के साथ, बात करेंगे सानिया करबला की। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। ये बात है सरवर कायनात रहमतुल आलमीन खातमुन नबीजीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे रसूल हज़रत हुसैन की। ये बात है उस ज़ोहरे बतूल के लाल की जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं। ये बात है उस लाल की जिनके बाबा शेरे खुदा हैं। ये बात है उस लाल की जिसने अपनी औलाद अजीज़ो अकारब और ख़ुद अपने खून से इस्लाम को ज़िंदा किया। ए अली के लाल जिंदाबाद, पे अमर के चैन जिंदाबाद, फातमा के नूर ऐन जिंदाबाद। कूफियों के बेहद इसरार और मुस्लिम बिन अकील की वजाहत के बाद आपने रखते सफ़र बांधा, मगर रास्ते में ही आपको शहादत मुस्लिम बिन अकील की खबर मिल गई। नवासे रसूल अपने शहजादियों और शहजादों और अपने अजीज़ो कारब के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए और सरजमीन करबला जब पहुँचे तो आपने फरमाया कि यहीं खैमा ज़न हो जाओ, क्योंकि ये वो ज़मीन है जिसकी पेशनगोई मेरे नाना ने की थी। यजीज जो नशे इकतदार के नशे में चूर था, इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। इब्ने ज़ियाद ने 22,000 लश्कर जो कि 72 अफराद के मुकाबले में थे ला खड़ा किया, घेराव तंग किया। आपने बार बार कूफियों को इनकी कस्में याद दिलाई, मगर गद्दार मुनाफिक कूफी वादा खिलाफ होकर आपके खून के प्यासे हो गए। मिज़ान अक्ल से इसे हरगिज़ ना तोलिए। सस्ती है कायनात और महंगा हुसैन है। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी रोक दिया गया, मगर जिनके बदन में खून हो मोहम्मद का, वो लोग सबर के सिदरतुल मुंतहा के अरूज को पहुंचते हैं। ए फरात अपनी लहरों को रख संभाल कर, खुद अपनी ज़ात में एक दुनिया हुसैन है। 10 मुहर्रमुल हराम के दिन जब इमाम हुसैन ने अपने दीन इस्लाम की खातिर अपनी औलाद घर बार अजीज़ व अकारब को कुर्बान कर दिया और फौज यजीद पर अपनी हुज्जत तमाम करते हुए फरमाया, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ, क्यों मेरे बच्चों का रास्ता रोका है, क्यों आले मोहम्मद को रुलाया है। इस हज़ारों की फौज में है कोई मेरे नाना से मोहब्बत करने वाला, मुझ हुसैन करीब की मदद करने वाला, हरम की बीबियों का हफाजत करने वाला। जैसे ही आपने फरमाया, ख़याम में बीबियों की आवाज़ बुलंद हो गई। आप ख़याम के करीब आए और फरमाया, ऐ ज़ैनब अभी मैं ज़िंदा हूँ। तो हज़रत ज़ैनब ने फरमाया कि जब आपने फरमाया कि है कोई इस गरीब हुसैन की मदद करने वाला और हरम की बीबियों की हिफाजत करने वाला, तो हम अपने आप को न रोक सके और ये नन्ना अली असकर भी अपने पालने से गिर पड़ा। आपने कहा, लाओ हज़रत अली असकर को। जब हज़रत ज़ैनब ने अली असकर आपकी गोद में दिया तो आपने उसको अपनी अबा में छुपा कर वापस फौजियों के पास आए और अबा से बच्चे को निकाल के कहा कि ऐ कूफियो, इस नन्हे को तो पानी पिला दो, ये 3 दिन का प्यासा है, अब तो इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। फौज यजीज़ ने पानी क्या देना था, हलक में तीर उतार दिया। नन्हे अस्कर का खून न आसमान ने कबूल किया न ज़मीन ने। जब तमाम शहजादे और अजीज़ व अकारब कुर्बान
कर बैठे तो फिर ख़याम में जाकर अपनी बीबियों को अलविदा कहते हैं और मैदान में आकर फरमाते हैं, मैं फातिमा कलाल हुसैन हूँ, अली कलाल हुसैन हूँ, मैं वो हूँ जिसके नाना फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। एक गवाह है कि ज़मीन पर ऐसी जंग न देखी गई। 3 दिन का भूखा प्यासा शेर के करीब आने को कोई तैयार न था। शिमर ने बढ़कर अफवाज से कहा कि इनको दूर से ही तीर बरसाओ और नेज़े बरसाओ। आपको फिर गैब से आवाज़ आई कि ऐ हुसैन, रब तुझसे राज़ी हो गया। तो आपने अपनी तलवार छोड़ दी। आपको इस हालत में देखा तो तमाम लश्कर जो भाग रहा था वापस आपके करीब आ गया। आपने नमाज असर की इजाज़त मांगी और सजदे में चले गए। यूं लाइन शिमर ने आगे बढ़कर आपकी गर्दन मुबारक को तन से जुदा कर दिया। आह हमारे हुसैन, सुनकर तेरी ज़बान से नेज़े की नोक पर लुत्फ आ गया खुदा को भी अपने कलाम का। रावी कहते हैं कि जब आपके जिस्म मुबारक पे से कमीज़ उतारी गई तो आप पर 113 तीर, 33 ज़ख़म नेज़ों के थे, 34 घायल तलवारों के थे। इतने ज़ख़म जिस्म पर और जिस्म चूर है ज़ख़्मों से। लेकिन जब हज़रत इमाम हुसैन ने पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी लफ्ज़ ये थे, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राज़ी हो गया हूँ, ज़ख़म सह कर भी मुस्कुरा रहा हूँ। मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उन्हें तस्लीम किया। आपकी शहादत के बाद हज़रत ज़ैनुल आबदीन और शहज़ादियों को खैमे से बाहर निकाल कर खैमों को आग लगा दी गई और आप सबको कह दी। जाम पे जाम पिया और मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया और मुसलमान रहे, यही दीन है तो इस दीन से तौबा मजहर, शक पैगंबर पे किया और मुसलमान रहे, जिसने पाला पैगंबर को वो रहा काफिर, यजीदों ने कत्ले हुसैन किया और मुसलमान रहे।